हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टैरो में। आज के पिक का रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है, आपका करियर, लव लाइफ, आपकी हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ये रीडिंग आपको अपने साइन के हिसाब से देखनी है। आप अपने जोडियाक साइन के लिए भी देख सकते हैं और आपका जो कुंडली वाला साइन है उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ग्रुप वन है अर्थ साइंस का, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ग्रुप टू है एयर साइंस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ग्रुप थ्री है फायर साइंस, एरीज लियो सजिटेरियस। और ग्रुप फोर है वाटर साइंस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सारी राशियों के हिंदी नाम आपको टाइम स्टैम्प्स पर मिल जाएंगे जो कि पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अपने साइन के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फेज एंटैंगलमेंट, जो कह रहा है इमोशनल इन्फ्लुएंस, और टैरो कार्ड से है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, सफलता आपकी ओर आते हुए नज़र आ रही है। कोई नया मौका आपको मिल सकता है और ज़्यादा पैसे कमाने का, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और वेल्थ क्रिएट करने की बेसिकली यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है। ये कोई नया जॉब ऑफर भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। अदरवाइज विथ एट ऑफ वॉन्स, ये किसी तरीके की ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके काम से रिलेटेड है या फिर प्रमोशन भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। एस ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्स के साथ कि कोई ऐसा इंसान आपके काम की जगह पर जो कि पोस्ट में आपसे बड़ा है वो आपकी बहुत तारीफ करे और ये चीज़ सबको पता चले कि आपने इतना अच्छा काम किया था, इसलिए आपकी बहुत पॉजिटिव चर्चा हो रही है ऑफिस में। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी मर्जी की जॉब आपको मिल जाए, जो भी एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर लें। और इनफैक्ट एट ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर इंटरव्यू राउंड से आपको डर लगता है तो इंटरव्यू राउंड भी आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं यहाँ पर दिख रहा है एट ऑफ वॉन्स के साथ कि आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी एंड डेफिनेटली विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपके करियर में ग्रोथ हो रही है, चाहे आप सर्विस कर रहे हों, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हों, बिकॉज आपका करियर ग्रो कर रहा है इसीलिए फेज एंटैंगलमेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जहाँ एक और आपके बारे में पॉजिटिव चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी जलकुकड़े लोग हो सकते हैं जो कि आपके बारे में ऊटपटांग बातें करें। और इस चीज़ से लेकिन आपको खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल इन्फ्लुएंस निकल के आया। मतलब अगर आप इन सब झमेलों में पड़ गए कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोचता है, तो उससे आपका ध्यान भटक सकता है, अनइम्पॉर्टेंट लोगों और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो कोई भी आपके बारे में गॉसिप करे उसका उद्देश्य ही यही हो कि वो आपका टाइम वेस्ट कर सके, आपको इन सब चीज़ों में फंसा सके। इसीलिए इन लोगों की बातों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं देना है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मई में। तो उसके लिए है पर्सनल गाइड, जो कह रहा है गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट फैमिली, और टैरो कार्ड से है पेज ऑफ वॉन्स और द टावर। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं और बहुत एक्टिवली हर जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, डेटिंग ऐप्स पर भी आप देखते रहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर भी देखते रहते हो, लेकिन कहीं बात बन नहीं रही है, कहीं से भी कोई ऐसा इंसान आपको मिल नहीं रहा है जो कि आपको पसंद आए। टावर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पर्सनल गाइड के साथ कि मई के महीने में अचानक से किसी ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ढंग से हो सकती है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि वो इंसान आपको बहुत पसंद आ जाए बावजूद इसके कि वो आपकी यूजुअल टाइप से थोड़ा अलग है, और उस इंसान के साथ फिर आप रिलेशनशिप में आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में से जो लोग किसी ब्रेकअप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए शायद आप इधर उधर अपना ध्यान भटका रहे हैं इस उम्मीद में कि आप पुराने वाले पर्सन को भुला सकें, यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं विद गार्जियन एंजल एंड स्पिरिट फैमिली, कि बजाय ऐसी चीज़ों में खुद को उलझाने के जो आपके लिए ठीक नहीं है जस्ट बिकॉज आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं अपने एक्स से, इससे बेहतर ये होगा कि अगर आप वही समय वही एनर्जी थोड़ी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं,
अपनी कुछ हॉबीज में लगाएं, अपने किसी टैलेंट के ऊपर लगाएं, अपने किसी सपने के ऊपर लगाएं, और आपके जो भी क्लोजेस्ट लोग हैं, आपके फैमिली वाले हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से अगर आप बातचीत करके अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें और उनको प्रोसेस करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो फॉर दैट वी हैव बीनीथ द सर्फिस जो कह रहा है हिडन ट्रूथ्स समथिंग अननोन, नाइन ऑफ वॉन्स और टू ऑफ वॉन्स। मई के महीने में अर्थ साइंस, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकता है आपको लगी रहे और आपको समझ में ना आए कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नाइन ऑफ वॉन्स वाले कार्ड में भी ऐसा लग रहा है मानो ये लड़की कुछ कहीं देख रही हो, कुछ सोचने की समझने की कोशिश कर रही हो। अब रिस्क यहाँ पर ये है कि जितना आपने टाला अपना प्रॉपर चेकअप कराना, उतनी ही ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए जैसे ही आप एक पैटर्न नोटिस करें अपनी सेहत में कि यार बार बार यही चीज़ हो रही है, हर दूसरे दिन मुझे इस जगह पर दर्द हो रहा है या ये शिकायत हो रही है, जो कुछ भी है, इमीडिएटली आपको जा करके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, खुद अपना मेडिकेशन नहीं डिसाइड करना है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर बीनीथ द सर्फिस के साथ कि जो आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हो ही ना, कुछ और बात हो। और मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाह रही हूँ, स्पिरिट भी आपको डराना नहीं चाह रहे हैं, बस सिंपल गाइडेंस आपके लिए ये है कि नेचुरल सी बात है, अगर कोई मान लो कुछ डिजीज़ है या कुछ है और आपने उसको पड़े रहने दिया, आप जा ही नहीं रहे डॉक्टर को दिखाने, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे तो वो ग्रो करता रहेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है वक्त रहते आप जा करके अपने फिजिशियन को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो। उसके अलावा एक और गाइडेंस जो यहाँ पर आ रहा है टू ऑफ वॉन्स और नाइन ऑफ वॉन्स के साथ, वो ये है कि अगर मई के मंथ में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यूजुअली लोग करते हैं स्पेशली गर्मी की वजह से, थोड़ा ठंडी वंडी जगह पर जाना है, वट एवर, खैर आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो अर्थ साइंस, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप देख के चलो, ऑल राइट, बिकॉज चलते फिरते छोटी मोटी चोट चपेट लगने की भी गुंजाइश यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मई के लिए। सो वी हैव ऑक्टोपस जो कह रहा है प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय ऑल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म्स। बड़ा मज़ेदार मैसेज है ऑनेस्टली आपके लिए अर्थ साइंस। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि मई के महीने में जिसको जो भाषा समझ में आती है उससे उसी तरीके से बात करो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब ये मतलब नहीं कि तुरंत ही आप किसी के साथ हाथापाई पर उतर आओ, बट हाँ, जो सीधे मुंह बात करता है उससे सीधे मुंह बात करो, जो टेढ़े मुंह बात करता है उससे ज़बरदस्ती का आपको उसके आगे नतमस्तक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कौन किस तरीके की जबान आपकी समझेगा और उसी तरीके से आपको उन सिचुएशंस में डील करना है और उन लोगों के साथ डील करना है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सेक्रेड इंट्यूशन, और टैरो कार्ड से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एयर साइंस, मई के महीने में अगर आपको करियर से संबंधित कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, उसके लिए बेस्ट गाइडेंस जो आपको कोई दे सकता है तो वो है आपका हायर सेल्फ, आपका इंट्यूशन। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, आपको अपने इनर विजडम की आवाज़ सुननी है, जो भी गट फीलिंग में लगे, जो भी इंट्यूटिवली लगे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, तो वो फिर लेना। ये नहीं कि इंट्यूशन बोले जा रहा है और आपने उसको इग्नोर कर दिया, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, मतलब आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस आपको देगी मई के महीने में, जिससे कि आपको बहुत धन लाभ हो सकता है, बहुत अच्छी कमाई आपकी हो सकती है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। इन एनी केस यहाँ पर पेज और किंग इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल पोजिशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, 111 एज आई सेड दैट, फाइनेंशियल पोजिशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है मई के महीने में। आप में से बहुत सारे लोग शायद विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किसी तरीके का कोई करियर से संबंधित कोर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कुछ लेना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा और
ऐड करना चाह रहे हैं आप अपनी स्किल्स में, ऐसा करने के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है। मई के महीने में अगर आप अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, स्पेशली अगर आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह देना है मई में, या अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सलाह दी जा रही है कि जो लोग ऑलरेडी वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या जिनको भी आपने अपना गुरु वगैरह माना हो, उनका क्या कहना है वो सब आपको सुनना है तो ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पर जो आपको ठीक लगे, जो आपको आंसर ठीक लगे, वही आपके लिए करेक्ट रिजल्ट आपको ला के देगा। बिकॉज एंड स्पेशली अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन है मान लो जहाँ पर वो ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि सामने वाले का सोचने का तरीका कैसा है, अगर उनको कोई नयापन नहीं लगा आपकी सोच में, आपके विचार में, तो ऐसा क्या ही फ़ायदा आपको बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले मिलेगा, राइट? आप में से जिन लोगों का अपना बिजनेस है, यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि इस महीने और लोगों को पता चलेगा आपके काम के बारे में, स्पेशली अगर आपका ऐसा काम है जो कि ऑनलाइन है, या ऑनलाइन आप प्रचार करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का या अपनी सर्विसेज का, तो और लोगों को उसके बारे में पता चल सकता है, जिस वजह से अगेन विद किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी बिजनेस में तरक्की होते हुए यहाँ पर दिख रही है। काम की जगह पर अगर आप सर्विस करते हैं सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। इनफैक्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, इसीलिए इस महीने कुछ लोगों को आपके साथ ज्वाइन किया जा सकता है कि आप उनको सिखाओ, जैसे ना कुछ इंटर्न्स को आप अपनी गाइडेंस दो, उनको पूरा काम समझाओ, समथिंग लाइक दैट, किसी तरीके का मार्गदर्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो वी हैव अप फ्रॉम द डेप्थ्स, जो कह रहा है रिलीजिंग डिफिकल्टी, टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स। ऑल राइट, आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, एंड स्पेशली, और मैं टॉक्सिक कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ पर जेन्युइनली आप दोनों ही अपनी अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतों की वजह से साथ में नहीं आ पा रहे थे, तो मई के महीने में नज़र आ रहा है कि आप लोग अपनी अपनी परेशानियों को फाइनली पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे के पास वापस आ जाएंगे और आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। आप में से जो लोग सिंगल हैं और आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉकेज फील होता है अपनी लव लाइफ में, इन द सेंस आपको डर लगता है किसी को अपने नज़दीक आने देने में, या फिर इन जनरल प्यार और रिलेशनशिप्स के आइडिया से आप थोड़ा सा कतराते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़ते हुए मई के महीने में दिख रहे हैं और आप ओपन होते हुए दिख रहे हैं टू डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप में से जो लोग सिंगल हैं कि मई के महीने में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो भी सोलमेट है उसकी एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, और अगर वो ऑलरेडी आ गए हैं आपकी लाइफ में तो मे ऑनवर्ड्स आप लोग डेट करना या ऑफिशियली रिलेशनशिप में बेसिकली आ जाएंगे। आप में से जो लोग ऑलरेडी हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर दिख रहा है टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स के साथ कि आपका कनेक्शन अच्छा ही चलेगा। इनफैक्ट मे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको और आपके पार्टनर को मिल सकती हैं एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो वी हैव शमानिक हीलर, जो कह रहा है क्लेंजिंग अट्यूनमेंट, द मैजिशियन और फोर ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज़ जो मैंने सुनी आपके लिए एयर साइंस, वो ये है कि क्या प्रोग्रेस आपकी हो रही है वो किसी को मत बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तबीयत ख़राब चल रही थी, अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है, लेकिन अगर कोई कुछ पूछ रहा है कि अब कैसा हाल है, क्या हाल है, तो बिल्कुल एकदम सब कुछ सच सच बताने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आज तो बिल्कुल चंगा था। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स रोक के रखना चाहो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करके रखना चाहो तो ठीक होगा। जब तक आप कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी अपनी एग्जैक्ट प्रोग्रेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्लेंजिंग और अट्यूनमेंट के साथ कि अगर किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई समस्या आपकी लगी हुई थी, तो मई के महीने में बिल्कुल डीप एनर्जेटिक लेवल तक जाके वो प्रॉब्लम आपकी हटते हुए, दूर होते हुए नज़र आ रही है। अगर अपनी मेडिसिन के साथ साथ आप मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस करना चाहें बेटर हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और सजेशन यहाँ पर आ रहा है, स्पेशली क्योंकि क्लेंजिंग यहाँ पर यूज्ड है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से हटाने की ज़रूरत है, शायद आपको अपनी डाइट ठीक करने की ज़रूरत है, इसीलिए मई के महीने में आप किस तरीके का खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर मे। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है मीर कैट, जो कह रहा है गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ओके, इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि मई के महीने में अगर लाइफ की किसी भी चीज़ में आपको थोड़ी सी उलझन फील हो रही हो या मन विचलित हो रहा हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो, तो बेस्ट रहेगा कि बजाय वो इमोशंस अपने अंदर ही अंदर रखने के और इनसे जूझते रहने के, आपके जो भी क्लोजेस्ट लोग हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, उनसे अगर आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सको, वो सारे अपने दुख दर्द उनके साथ आप शेयर कर सको, तो आपको लाइट महसूस होगा। वो लोग भी हो सकता है आपको कुछ अच्छा सा पर्सपेक्टिव दे दें, आपको ढंग से और समझने में मदद करें आपकी सिचुएशन को, और उससे बाहर आने का भी गाइडेंस दें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉस्पेरिटी, ये कह रहा है अबंडेंस, सक्सेस, और टैरो कार्ड से है सिक्स ऑफ वंड्स, जिससे कि अगेन हम सक्सेस का कार्ड मानते हैं, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो कि अबंडेंस दर्शाता है। सो बहुत सिंक में है आपका ओरेकल और आपके टैरो कार्ड्स फायर साइंस। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका करियर बहुत बहुत अच्छा बीतता हुआ दिख रहा है मई के महीने में। काम की जगह पर आपकी बहुत प्रशंसा होते हुए दिख रही है, हो सकता है किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड या कोई रिकग्निशन भी आपको मिले, हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको पकड़ाया गया था और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपने ला के दिए हैं, जिस रीज़न से आपकी बहुत तारीफ हो रही है। आपकी जो मटेरियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, आपकी सेविंग्स बढ़ते हुए दिख रही हैं, आप अपने काम से भी बहुत खुश दिख रहे हैं और अपने बैंक बैलेंस से भी आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस और सक्सेस की जो रोड स्पेशली जो इस कासल तक जा रही है बहुत लंबी रोड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिक्स ऑफ वंड्स के साथ कि ये जो भी चीज़ अच्छी सी होने वाली है आपके साथ इस महीने आपके करियर में फायर साइंस, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसका शायद आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत लंबे समय से जिस चीज़ की ओर आप काम कर रहे थे, और फाइनली मई में जाकर वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या वो पर्टिकुलर जो भी गोल था आपका वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ होते हुए दिख रही है, और इन जनरल बिजनेस से जो आपकी आमदनी आ रही है उसमें भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट चांसेस हैं यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और सिक्स ऑफ वंड्स के साथ कि कोई एक ऐसा क्लाइंट जिसके लिए आपने बहुत अच्छा काम करके दिया हो, वो और लोगों को आपके बारे में बता सकते हैं, और उस एक पर्सन के अच्छे फीडबैक की वजह से और 50 ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली विद सिक्स ऑफ वंड्स बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको सक्सेस मिलने के, स्पेशली अगर आप जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने वाले हैं वो मई के मंथ में है तो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एनिमल टोटम्स, ये कह रहा है एनिमल एनर्जी एंड पावर्स, फाइव ऑफ वंड्स एंड सेवन ऑफ वंड्स। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लव हेट टाइप का सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। छोटी छोटी बातों पर बेवजह की नोक झोंक होते हुए दिख रही है, तो अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें ऑफकोर्स तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चांसेस हैं यहाँ पर सेवन ऑफ वंड्स और फाइव ऑफ वंड्स के साथ कि छोटी सी बात पर हुई लड़ाई ज़बरदस्ती ज़्यादा देर तक खींच सकती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में या सेपरेशन में हैं, शायद बहुत ही बुरे नोट पर आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई थी, और ये मुमकिन है यहाँ पर सेवन ऑफ वंड्स के साथ कि वो इंसान इस महीने वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप उसको ये चांस देंगे नहीं, आप उसको अलाउ करेंगे नहीं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जिस अंदाज में वो इंसान कोशिश करेगा भी आपकी लाइफ में वापस आने का, उसमें भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन और नकचढ़ापन और एटीट्यूड होगा, जो कि ऑफकोर्स आपको पसंद नहीं आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से आप उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो वापस से आपकी लाइफ में आके आपकी शांति भंग करें। आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एनिमल एनर्जी एंड पावर्स के साथ कि इस महीने बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको इनकरेज करें कि किसी के साथ डेट पर जाओ, रिलेशनशिप में आओ और ये सारी चीज़ें, लेकिन
शायद आप इस समय इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इससे जो लोग सिंगल हैं मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7 of Wands और 5 of Wands के साथ, कि इस समय प्यार और रिलेशनशिप्स के ऊपर बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं है और आप सोचना भी नहीं चाहते उन सब चीज़ों के बारे में, ना उन सब में आप अभी उन चक्करों में पड़ना चाहते हैं। इसीलिए अगर इस महीने किसी ने आपको ज़्यादा कुछ बोला इन सब चीज़ों के लिए, तो आप उल्टा उस इंसान को डेफिनेटली डेफिनेटली सुना दोगे, वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू, स्ट्रेंथ और 9 of Cups। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा दिख रहा है मई के मंथ में फायर साइंस। इनफैक्ट हो सकता है कि अपनी सेहत को और ज़्यादा सुधारने के लिए और बेहतर करने के लिए मई ऑनवर्ड्स आप कोई नई चीज़ ट्राई करें, किसी नए तरीके की एक्सरसाइज, कोई नया इक्विपमेंट, किसी नए तरीके की डाइट, या फिर मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए किसी नए तरीके का मेडिटेशन या कोई नई एक्सरसाइज आप अपनाना चाहें, जो भी है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट 9 of Cups इंडिकेट कर रहा है कि जनरली तो मई के मंथ में आप बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है 9 of Cups के साथ, क्योंकि एक एक काम आपका बनता चला जाएगा मई के मंथ में, उस रीज़न से आपकी मेंटल हेल्थ भी थ्रू आउट मई बहुत अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी तो ऑफकोर्स अच्छी रह ही रही है, हाइड्रेशन का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, स्पेशली क्योंकि समर मंथ्स अभी चल रहे हैं, इसीलिए पानी आप कितना पी रहे हैं इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर मई। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है पोलर बेयर, जो कह रहा है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम। तो इस महीने के लिए आपका एडवाइस ये है कि आपके मन में अगर कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो आपको उसको रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ, विनम्रता के साथ अपने उस थॉट को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, चाहे वो आपका फैमिली का कोई सदस्य हो, आपका पार्टनर हो, काम की जगह पर कोई इंसान हो, और घबराहट नहीं आने देनी अपने अंदर। ये नहीं सोचना है कि यार अगर मैंने ऐसा बोला बॉस को मेरा आइडिया पसंद आएगा भी या नहीं, कहीं वो लोग मेरे बारे में ये ना सोचे, वो ना सोचे, रिजल्ट क्या निकलेगा बिना उसकी परवाह किए हुए आपके मन में जो भी ओरिजिनल आइडिया या थॉट आ रहा है, जो भी आपका बोलने का मन कर रहा है, वो चीज़ आपको खुलकर एक्सप्रेस करनी है। ऑलराइट फायर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि मई के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है फैमिली ट्री, जो कह रहा है एक्सपेंशन, लेगेसी, और टैरो कार्ड से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। ऑलराइट, एक्सपेंशन और लेगेसी ने बहुत क्लियर कर दिया है वाटर साइंस कि मई के महीने में आपका करियर डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, ग्रोथ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो। इनफैक्ट एक्सपेंशन और लेगेसी यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप अभी भी स्कूल में या कॉलेज में हैं, तो आपकी भी बहुत तारीफ होने वाली है आपके किसी अचीवमेंट की वजह से। इनफैक्ट कुछ इतना अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है कि आपके नाम से आपका स्कूल या आपका कॉलेज और भी ज़्यादा फेमस हो जाए। आप में से ऐसे वाटर साइंस जिन्हें इस समय ये शिकायत चल रही है अपने करियर से कि आपका करियर बड़ा स्लो चल रहा है, कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, रोज़ रोज़ वही काम वही काम, तो मैं बता दूं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट के कॉन्ट्रास्ट के साथ कि मई के महीने में डेफिनेटली वो एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है। एकदम से बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा काम की वजह से ट्रैवल करना, या फिर ऐसा काम जो कि रिक्वायर कर रहा है आपको टू थिंक ऑन योर फीट, बहुत जल्दी जल्दी सोच के आपको डिसीजन लेना है और बस वो काम कर करके देना है, इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये जो इतने दिनों से आप शिकायत कर रहे थे कि काम बड़ा बोरिंग है, काम बड़ा बोरिंग है, अब इतना काम और ऐसा काम आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं इसमें। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी उसका एक एस्पेक्ट होगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, जिस रीज़न से आपको हर कुछ दिनों में कभी इस शहर तो कभी उस देश जाना पड़ रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हीलिंग हार्ट, जो कह रहा है लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, और टैरो कार्ड से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वंड्स। सो आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में फॉर श्योर इस महीने कोई नए इंसान की एंट्री होते हुए दिख रही है। ओके,
एक और मैसेज मुझे अभी मिला सिंगल्स के लिए, आपका कोई एक्स भी आपको उसी टाइम पर अप्रोच कर सकता है जिस टाइम पर आपका नया कनेक्शन किसी के साथ स्टार्ट हुआ है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप अपने एक्स को ऑनेस्टली एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज उस समय पर आपका सारा ध्यान न्यू पर्सन के ऊपर ही होगा जिसके साथ आपका कनेक्शन जस्ट स्प्राउट किया है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये जो कोई भी नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है मई के मंथ में वाटर साइंस, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर पास्ट की रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स की वजह से कोई भी इश्यूज आपको आ गए हैं, कोई हाउ डू आई पुट दिस, कोई ऐसे पार्ट्स हैं आपके जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, उस तरीके की चीज़ें, बेसिकली ऐसे जख्म जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं बट आपको फील होते हैं, वो सब हील हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा जैसे ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज उनके साथ आपकी रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा खूबसूरत और हीलिंग साबित होगा। आप जैसे हैं आप इस नए पर्सन को बिल्कुल वैसे ही पसंद आने वाले हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और अगर अभी पिछले कुछ दिनों में खिटपिट हुई थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो सारे गिले शिकवे ख़त्म होते हुए मई के मंथ में दिख रहे हैं और अपने कनेक्शन की एक नई शुरुआत आप लोग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, अलोन टाइम, क्वालिटी टाइम, ये सब कुछ भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग किसी के साथ कनेक्शन, आपका अगर सेपरेशन था या सिचुएशनशिप थी, तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कम्युनिकेशन आ सकता है उस इंसान के साइड से। बट आप करते क्या हैं उस कम्युनिकेशन का, आप उस इंसान को सेकेंड चांस देते हैं या नहीं, वो ऑफकोर्स आपकी फ्री विल होगी। ऑल राइट, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अचीवमेंट, कम्प्लीशन, रिवॉर्ड, और टैरो कार्ड से है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। एक गाइडेंस यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड इंटरेस्टिंगली ये चैरियट के बिल्कुल नीचे है, क्योंकि काम में आप इस महीने बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, इसलिए हो सकता है हेल्थ एक बैक सीट ले ले, लेकिन ये गलती नहीं होने देनी है। प्रॉपर टाइम आपको निकालना है अपने हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी हेल्थ से संबंधित, तो फाइनली उस दिक्कत से, उस मुश्किल घड़ी से आप बाहर निकलते हुए मई के मंथ में नज़र आ रहे हैं वाटर साइंस। और अगर कोई फिटनेस गोल था आपका जिसके ऊपर आप बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कोई आपका डिज़ायर्ड लेट से बॉडी फैट परसेंटेज था जो आप पहुँचना चाह रहे थे, या कोई डिज़ायर्ड वेट था आपका जो आप अचीव करना चाह रहे थे, या और भी कुछ जो भी हो, फिलहाल वो गोल आप अपना मई के मंथ में कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होते हुए दिख रही है। मई के मंथ में अगर आप अपनी वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग बढ़ा सकें, तो उसका भी पॉजिटिव असर आपको अपनी हेल्थ पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर मई। सो आपका कार्ड है एल्क, जो कह रहा है स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। ओके, सो हो सकता है कि मई के महीने में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएँ जब आपका मन करे बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर कोई रिस्पॉन्स देने का, या फिर जो आपको भड़का रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसकी लेवल पर नीचे गिर के उसको जवाब देने का, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, उल्टा यही एकमात्र वो तरीका है जिससे आप सामने वाले की इज्जत जो आप डिज़र्व करते हैं राइटफुली वो आपको दे। ऑल राइट वाटर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका मई का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।